एशिया का इकबाल बुलंद हो। तक्षशिला को भेजे हुए पैगाम का जवाब आया है फेस्टियन। कभी ऐसा हुआ है हुजूर कि वो ना हुआ हो जो आपने सोचा? तक्षशिला वालों को सुलह कबूल है, वो जल्दी अपना काशिद रजामंदी के पैगाम के साथ भेजने वाले हैं। लगता है किसी के अफसाने की मौत औरस से मुकाबले से पहले ही हो जाएगी। हेफेस्टियन, उनके कासिद को आते ही हमारे हुजूर में पेश करो, देखें तो सही तक्षशिला ने मेरे इस्तकबाल के लिए किसे चुना है। नहीं पितोश्री, आपके गांव गहरे हैं, आपको आराम की आवश्यकता है। इन्हीं के उपचार ने आपके प्राणों की रक्षा की पिताश्री। ए आचार्य, आचार्य विष्णुगुप्त, न हमारे पास पर्याप्त शब्द है न शक्ति है, बस धन्यवाद। पारो कुमार, महाराज को विश्राम करने दो, अभी इनके घाव भरने में समय लगेगा। मैं तक्षशिला का संधि पत्र लेकर अलेक्जेंडर के पास जा रहा हूं। अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर भारत पहुंच चुका है और उसका पहला पड़ाव तक्षशिला। आचार्य ने उसको रोकने के लिए एक योजना बनाई है। अगर आपको लगता है कि आपकी आंखें आपकी मोहब्बत बयां कर रही हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपकी चुपती नजरें मुझे परेशान कर रही हैं। नजरों के साथ यही तो मुश्किल होती है। ये किसी से कहना कुछ और चाहते हैं, पर समझने वाला कुछ और समझ जाता है। फिर भी मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे इन आंखों ने तुम्हें कुछ महसूस तो करवाया, और मुझे यकीन है बहुत जल्द मेरी आंखें तुम्हें मेरी मोहब्बत का सलाम भी पहुंचा देंगी। एक जरूरी खबर है शाह, तक्षशिला से कासिद पहुंच चुका है, यही ना? जी हुजूर। पैगाम क्या है? हुजूर, कासिद का कहना है कि वो आपके सिवा किसी को भी अपना पैगाम नहीं सुनाना चाहता। एक मामूली से कासिद की ये जरूरत, कत्ल कर दो उसका और फिर पैगाम पढ़ो। इतना चौंक क्यों गए फेस्टियन? वो इसलिए शाह कि आप उस कासिद के जुमले दोहरा रहे हैं। उसने मुझसे कहा था कि
कि जब मैं आपको उसके मिलने की खबर दूंगा तो आप इसी तरह उसे खत्म कर उसका पैगाम पढ़ने का हुक्म देंगे। इसलिए वो खत भी साथ नहीं लाया, वो आपसे मिलकर मुंह जुबानी पैगाम देना चाहता है। अब तो उससे मिलने के लिए मैं भी बेताब हूं। कौन है तक्षशिला से आया है कासित? अभिनंदन सम्राट अलेक्जेंडर। चेहरे से सिपाही तो नहीं लगते, यहां क्या कर रहे हो? आशा तो थी कि आप जान जाएंगे। जो व्यक्ति की भाव भंगिमा देखकर उसे पहचान न सके वो एशिया का शाह हो ही नहीं सकता। गुरु, तुम हमें यहाँ तो ले आए, परंतु योजना क्या है? जान जाओ गिलाची, प्रतीक्षा करो। हमें उस ओर चलना चाहिए, आओ। हाथी, करना क्या चाहते हो गुरु? अलेक्जेंडर के पास घोड़ों की एक विशाल और शक्तिशाली सेना है। यदि हमें उसकी सेना का सामना करना है तो एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता होगी जो घोड़ों की शक्ति से अधिक है, और ऐसे में एक हाथी से अधिक शक्तिशाली और क्या हो सकता है लाची? आज तक अलेक्जेंडर या किसी भी यवन ने युद्ध में एक हाथी का प्रयोग होते हुए नहीं देखा, और यही बात युद्ध को हमारे पक्ष में करने के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। संदेश लेकर सैनिक इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां तलवार की यंत्रणा की नहीं मंत्रणा की आवश्यकता थी। हो कौन तुम? देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक आचार्य, देश विदेश से आए छात्रों को भारतीय ग्रंथों, राजनीति, चिकित्सा और ज्योतिष का ज्ञान देता हूं, और समय मिलने पर भिन्न भिन्न प्रांतों के राजाओं को राजनीति और कूटनीति के विषय में परामर्श प्रदान करता हूं। अगर एक शब्द में परिचय पूछा जाए तो बस एक विद्वान हूं मैं। विद्वान मतलब आलिम, कैसे आलिम हो तुम?
जिसे इतना भी इल्म नहीं कि एक बादशाह और एक आलिम के बीच कोई बराबरी नहीं होती। शहंशाह के पास वक्त नहीं होता तुम जैसे आलिम से मिलने का। विद्वत्तम च नृपत्वम च नैव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। संस्कृत भाषा है ये, संसार की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा। यदि गागर में सागर भरना हो तो संस्कृत से श्रेष्ठ कुछ नहीं। जो तुमने मुझसे अभी कहा मैं उसे ऐसी जुबान में सुनना चाहूंगा जो मुझे समझ आए। सम्राट, इस श्लोक की पहली पंक्ति आपके दृष्टिकोण का समर्थन करती है कि एक विद्वान और सम्राट में कोई तुलना नहीं, किंतु दूसरी पंक्ति समझाती है कि आंखें खोलिए, राजा को मात्र उसके राज्य में पूजा जाता है किंतु विद्वान का सम्मान हर स्थान पर होता है। राजा लक्ष्मीपति होता है किंतु विद्वान सरस्वती का पूजक होता है। धन से ज्ञान अर्जित नहीं किया जा सकता किंतु ज्ञान से धन का अर्जन किया जा सकता है। तुम तो बिल्कुल उस्ताद अरस्तु की तरह बात करते हो। जब अपने गुरु का स्मरण हो ही आया है तो स्मरण रखिएगा, आज उन्हीं के ज्ञान और प्रशिक्षण के कारण आप यहां खड़े हैं। बेशक उस्ताद अरस्तु काबिल थे, मगर मैं ना मामूली इंसान हूं और ना ही मामूली बादशाह। मैं देवता ज़ीउस का बेटा हूं, आज की दुनिया का खुदा, जिसका नाम तारीख कयामत तक याद रखने वाली है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे शाह, जिसका नाम तारीख बहुत जल्द भूलने वाली है, उसने मेरे पैगाम का जवाब क्या भेजा है। इतना तो मुझे मालूम है कि दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा भी उनके दिमाग में कुछ और है। उचित समझे आप सम्राट, जब आप मेरे आने का महत्व समझ ही गए हैं तो इतनी महत्वपूर्ण बातें यहां पंडाल के बाहर खड़े होकर करना चाहेंगे? भारत से आए इस आलिम कासिद की मेहमान नवाजी करके मुझे बेहद खुशी होगी। खुशामदीद। हाथी वन्य पशु है, कोई गाय का बछड़ा नहीं, इसे घोड़ों की भांति युद्ध में प्रशिक्षित करना मुश्किल है। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो भाई क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसा कुछ करने का प्रयास नहीं किया। कड़ा परिश्रम और अभ्यास कुछ भी संभव कर सकता है। आप दोनों यहीं रुकिए, कहीं हम सबको एक साथ देखकर वो अति उत्तेजित ना हो जाए। मैं अकेला ही जाऊंगा। नहीं पुरु, तुम संकट में पड़ सकते हो। जब बात मेरे देश की रक्षा की हो तब पुरु किसी भी संकट का स्वागत करने के लिए सज है। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
हम भारतीयों के लिए भोजन अत्यधिक पवित्र है, क्योंकि यह जीवन देता है, कर्म करने की क्षमता देता है। इसलिए भोजन को हम ईश्वर का प्रसाद मानते हैं, और प्रसाद ग्रहण करने से पूर्व उसे ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे व्यक्ति को अन्न की शक्ति प्राप्त होती है और उसका ओज भी बढ़ता है। तुम्हारे भारत के रिवाज जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आलम। मैं तुम्हारे मुल्क में मिलने नहीं, उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाने आया हूं। मैसेडोनिया दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत है, और बहुत जल्द भारत भी उसी सल्तनत का हिस्सा होगा। भारत को वश में करना था तो संधि संदेश भेजकर इतने लोगों का श्रम व्यर्थ क्यों करवाया सम्राट? भारत पर आक्रमण करके, हमसे युद्ध करके आप अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते थे। अन्य स्थानों पर आपने ऐसा ही तो किया ना, फिर हमारे लिए संधि संदेश क्यों? समझदार इंसान के हर कदम के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसके पीछे भी मेरे पास एक वजह है जो कि तुम बहुत जल्द जान लोगे। विद्वान वो जो वर्षा होने से पहले वायु परीक्षण से जान ले कि कहां, कब और कितनी वर्षा होगी। पोरस, यही है ना आपके भारत आने का कारण? जानते हो आचार्य चाणक्य होते तो कहते कि कभी कभी मित्र बनाने के लिए शत्रु वाला व्यवहार करना आवश्यक है। यदि एक व्यक्ति के प्राण जाने से सहस्त्रों को प्राणवायु मिले तो यह बलिदान नीति विरुद्ध नहीं, व्यापार सीधा साधा है। आप तक्षशिला के मित्र बनकर रहेंगे और तक्षशिला नरेश आपको पोरस सौंप देंगे। तक्षशिला नरेश मात्र अपने राज्य और प्रजा दोनों की सुरक्षा चाहते हैं। वो आपके साथ संधि भी निभाएंगे और पोरस को सौंपने का वचन भी, और बदले में आप तक्षशिला में किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे।
राजा सम्राट को स्वीकार? मंजूर है। पोरस कहाँ है? जिसे रोक नहीं पा रहे उसे सिखाओगे क्या पुरो? हाथी पर नियंत्रण पाना असंभव है। लौटो। लौटना तो होगा, पर मुझे नहीं उस अलेक्जेंडर को। यदि उसे खाली हाथ लौटाना है तो आज पुरु यहां से खाली हाथ नहीं जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार हम पुरु को अलेक्जेंडर को सौंप देंगे। उसके बाद अलेक्जेंडर पुरु के साथ क्या करता है यह उसका निर्णय होगा। तुमने मेरा दिया पहला तोहफा ठुकरा दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेशकीमती तोहफा देने वाला हूँ, पोरस का कटा हुआ सिर। अलेक्जेंडर को हमारी मातृभूमि से पराजित होकर ही वापस लौटना होगा।